कभी अनशन कभी बड़े आंदोलन, लाठियां खाकर जेल जाकर अनशन कर कर युवाओं की आवाज बनती है। बाद में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसका चुनाव है और चुनाव में इस बार जो बड़ा घमासान होगा, जिसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का होगा। प्रदेश में 40 से 50 लाख युवा शिक्षित युवा बेरोजगार है, जिससे मान लीजिए करीब एक व्यक्ति से पांच सदस्य जुटते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। पिछले 11 साल 7 महीने से लगातार दोनों सरकारों में हमने संघर्ष किया है। देखिए, संघर्ष करने के बाद हमने जाना कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी उपचुनाव प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी बड़े आंदोलन, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है और कुछ मांगे पूरी हो पाती है, कुछ मांगे के लिए युवा बेरोजगार तरसता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे में हमने देखा कि इन चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये मांग हम सभी राजनीतिक पार्टियों से करते हैं। और मैं भी ऐलान करता हूं कि चुनाव में युवाओं को न्याय मिले। 11 साल 8 महीने तक मैंने सड़कों पर लाठियां खाकर जेल जाकर अनशन करके युवाओं की आवाज बुलंद की है, और विधानसभा में युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम मैं करूंगा और इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसका ऐलान मैं करूंगा। इसका निर्णय आने वाले दिनों में युवा बेरोजगार से मिलकर लिया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर से लगातार युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि युवाओं से वो हम लोग मिलकर दोनों सरकार हमने देखी है, हम तुलना कर रहे हैं कि कौन सी सरकार सही है। राजनीतिक पार्टियों को भी समय दे रहे हैं, क्योंकि बजट में वो घोषणा पत्र को वो क्या डालेंगे, क्या युवाओं के प्रति क्या कार्य योजना है। हम सब युवा मिलकर तुलनात्मक अध्ययन करके और फिर उन विभिन्न नेताओं से मिलकर और हम निर्णय लेंगे किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, ये निर्णय आने वाले समय में हम लेंगे। अभी युवा बेरोजगार समाज कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास होगी, क्योंकि युवाओं का बड़ा रोल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा आचार संहिता लग गई लेकिन युवा बेरोजगार आज भी जगह जगह भटक रहे हैं, उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा। सरकार ने अलग अलग समाजों के लिए बोर्ड तो बना दिया उनके उत्थान के लिए, क्या युवा बेरोजगारों के लिए बोर्ड नहीं बनना चाहिए था? आज युवा बेरोजगार कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी आरपीएससी, कभी बीकानेर, कभी स्वास्थ्य भवन, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट, कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कभी बीकानेर, हर जगह चक्कर काट रहा है। तो आखिरकार उनको समय पर रोजगार कब मिल पाएगा? 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2018 में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी, और इस बार जिधर युवा जाएंगे वही राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। ये राजनीतिक पार्टियों तक हमारा एक सीधा मैसेज है, क्योंकि ये ना सोचे कि हर बार हम गुमराह करके वोट ले लेंगे। सिर्फ युवा तत्पर है, अलर्ट है, वो कह रहे हैं कि युवाओं की सीधी आवाज सरकारों तक पहुंचनी चाहिए।